हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आप अगर कतर आने के लिए सोच रहे हैं कतर वर्क वीसा में, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कतर वर्क वीसा के लिए कैसे अप्लाई करें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों, जो भी QVC सिस्टम है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस में, तो जो QVC सिस्टम है वो उसमें कैसे जाए QVC में, और जो QVC का जो मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे ले। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्त लोग जो भाई लोग कतर आने के लिए तो सोच रहे होते हैं, पर वो लोग का वो पता नहीं होता है कि वीसा के लिए कैसे अप्लाई करें, कहां पर जाए और कौन सा कंपनी सेलेक्ट करें, कैसे करें। क्योंकि दोस्तों हमारे यहां क्या है कि बहुत सारे एजेंट हैं, दलाल हैं, वो लोग क्या करता है आपसे पैसा भी ले लेगा और आपको घाटा में पार सकता है दोस्तों, और आप के पास जो जितना पैसा होगा वो ठक भी सकता है। क्योंकि एजेंट का बाप का क्या जाता है, क्योंकि वो लोग का काम ही है कि हम लोग को चुतिया बनाना, और अगर आपको वीसा भी नहीं आएगा, वो लोग भी बोल देगा वीसा आ गया है और आपसे पैसा ठक सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों, और आप लोगों को मालूम हो जाएगा ये वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद कि वास्तव में कतर वीसा का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कतर वीजा का प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि आप जो कतर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी एजेंट को मत दो। सबसे पहले जो आपके कंट्री में, जो जैसे कि इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ पर भी जो कतर का जो वीसा जाता है उधर एजेंसी होता है दोस्तों, उसको मैन पावर भी बोला जाता है, एजेंसी भी बोला जाता है और एक ऑफिस भी बोला जाता है, उधर वीसा जाता है। उधर क्या होगा दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट उधर जाते हैं तो आपको अच्छे वाले कंपनी और उधर गारंटी के साथ आपको जॉब भी वो लोग दे देगा दोस्तों कतर के लिए। अगर आप एजेंट के पास जाते हो तो वो लोग क्या करता है दोस्तों, आपसे ज़्यादा पैसा लेता है। अगर आपको एजेंसी में 10,000 लगेगा तो एजेंट आपको 50,000 बोलेगा। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों एजेंट को छोड़ना है और डायरेक्ट आपको एजेंसी में जाना है। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि कतर का जो भी कंपनी जो वीसा देता है, सबसे पहले वो इंटरव्यू लेता है दोस्तों, बिना इंटरव्यू का वो वीसा नहीं देगा। अगर आप सोचते होंगे दोस्तों कि कोई भी आपको एजेंसी बोल रहा है, एजेंट बोल रहा है कि आपको इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आप कंपनी में जा सकते थे, दोस्तों ये शंका करने वाला बात है कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि कतर का जितना भी जो कंपनी होगा दोस्तों, बिना इंटरव्यू का किसी भी आदमी को लेना नहीं चाहते दोस्तों कतर में। तो चलिए बताया दोस्तों फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों 2-4 दिन के बाद आपको ऑफर लेटर पठाएगा दोस्तों। ऑफर लेटर क्या है दोस्तों, आपको भी बता दें। ऑफर लेटर का मतलब क्या है कि उसमें आपको लिखा होता है कि आपका सैलरी कितना है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी का रूल्स क्या है, कंपनी में आपको क्या क्या देगा, क्या नहीं देगा, क्या सिस्टम है। ऑफर लेटर होता है दोस्तों, जब तक आप ऑफर लेटर में साइन नहीं करते हो तब तक आपका वीसा का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये बात क्लियर करना है कि ऑफर लेटर अच्छा से पढ़ना है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त लोग क्या करता है, एजेंसी में जाएगा, जब इंटरव्यू पास होने के बाद ऑफर लेटर वो लोग नहीं पढ़ेगा, ऑफर लेटर साइन कर देता है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऑफर लेटर अच्छा से पढ़ना है। अच्छा से पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऑफर लेटर साइन करना है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप ऑफर लेटर साइन कर देते हैं उसी दौरान आपका सैलरी भी रहेगा, हर चीज़ उसी जो ऑफर लेटर में दिया गया होता है उसी पे आपको डिपेंड करता है, उधर आपका सैलरी, आपका अकोमोडेशन फी, आपका जो कंपनी का जो सिस्टम है, हर चीज़। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप आपका ऑफर लेटर, दोस्तों आप ऑफर लेटर साइन कर लिया। ऑफर लेटर साइन करने के बाद दोस्तों आपको जो ऑफर लेटर है वो कंपनी को पठा दिया जाता है। कंपनी को पठाने के बाद दोस्तों कंपनी वीसा के लिए अप्लाई करता है दोस्तों। दूसरी बात आपको बता दें कि कंपनी ने, आपका जो कंपनी है वो वीसा के लिए अप्लाई किया है कि नहीं, आपको कैसे चेक करना है दोस्तों। ऑफर लेटर पठाने के बाद 10 दिन व 15 दिन के बाद आपको नेट में चेक करना है। porto.moi.com जो कतार का, जो सबसे पहले आपको सिंपल बता दें कि गूगल में जाके आपको उधर लिख देना है कतार वीसा चेक। अब अगर आप वो लिखते हैं तो उधर आ जाएगा दोस्तों, वो पेज खोलना है, उसमें आपको पासवर्ड नंबर देना है। अगर आप पासवर्ड नंबर देते हैं उसमें तो वीसा शो करेगा दोस्तों, वीसा पूरा नहीं शो करता है, उसमें सिर्फ वीसा नंबर आता है, कंट्री आता है, बस हो गया।
अगर आपको वीसा इंटरनेट में शो कर रहा है कि इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि आपका जो कंपनी है वीसा के लिए अप्लाई कर दिया है आपका डॉक्यूमेंट। अगर इंटरनेट में आपका जो वीसा है नहीं शो कर रहा है इसका अर्थ क्या है कि अभी तक आपका कंपनी है वीसा के लिए अप्लाई नहीं किया है। तीसरी बात दोस्तों, जब वीसा के लिए अप्लाई कर देता है कंपनी और नेट में भी शो करता है, सबसे पहले उधर नेट में क्या आता है दोस्तों, अंदर प्रोसेस होने के बाद उस वीसा में 3 महीने का टाइम होता है दोस्तों। 3 महीने का टाइम क्यों होता है, QVC कराने का टाइम है दोस्तों, वो 3 महीने का टाइम। नेट में भी शो कर दिया आपका वीसा, उधर आ रहा है अंदर प्रोसेस, उस दौरान आपका जो कंपनी है वो QVC का अपॉइंटमेंट लेगा दोस्तों। जब वो QVC का अपॉइंटमेंट लेता है उस दौरान उसको टाइम भी लग सकता है 1 महीना 2 महीना और 3 महीना भी। वो QVC का जो अपॉइंटमेंट ले लगा दोस्तों, उस दौरान आपका मोबाइल में भी मैसेज आएगा, जो आप अपने CV में जो दिए गए होंगे जीमेल, उसमें भी मैसेज आएगा कि आपका अपॉइंटमेंट आ गया है। जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है उस दौरान आपका वीसा की वैलिडिटी 6 महीना एक्सटेंड हो जाता है दोस्तों। पहले 3 महीना दोस्तों, उसके बाद 6 महीना एक्सटेंड होता है। और जो QVC का जो अपॉइंटमेंट आप ले लेते हो उधर, तो उस दौरान आपको क्या लिखता है, वीसा अंदर आउटसाइड प्रोसेस, वीसा में रहता है वो दोस्तों, नेट में सर्च करते हो तो। इसका अर्थ है कि आपका QVC का अपॉइंटमेंट ले चुका होता है। जब आपका QVC का अपॉइंटमेंट हो जाएगा दोस्तों, और आप जब आपको QVC में बुलाएगा, उस दौरान आपको QVC में क्या क्या कराना पड़ता है वो बता दें दोस्तों। QVC का जो अपॉइंटमेंट का जो टाइम है दोस्तों, उसी टाइम में आपको जाना है QVC कतार वीसा सेंटर में दोस्तों। आपका QVC में फिंगर होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद 48 घंटे के बाद रिपोर्ट आता है दोस्तों। अगर आप कैसे मालूम करें कि आप QVC फेल हुआ कि पास दोस्तों, 48 घंटे के बाद अगर आप नेट में चेक करते हो और आपका वीसा रेडी टू प्रिंट आ जाता है, उस दौरान आपको क्या होगा दोस्तों, मालूम पड़ जाएगा आप QVC पास हो गया, आपका वीसा रेडी टू प्रिंट में आ गया। अगर आपका वीसा रेडी टू प्रिंट में नहीं आया, उस दौरान आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आप QVC फेल हो गए। तो दोस्तों, ये इतना सब प्रोसेस है दोस्तों QVC का, वीसा का। जब आपका वीसा रेडी टू प्रिंट में आ जाता है, उस दौरान आपका वीसा फिक्स हो गया दोस्तों, और आपको कंपनी टिकट होगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, कंपनी आपको क्लियर रूप से ईमेल करेगा और बोल भी देगा दोस्तों, और पठा भी देगा। और आगे का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, अगर आप कतर के लिए रेडी होते हो फ्लाइट के लिए, उस दौरान कतर का जो अभी सिस्टम है जो कोविड टेस्ट कराने का, तो वो दोस्तों कोविड टेस्ट कराने का सिस्टम है दोस्तों, 72 आवर का जो कोविड का रिपोर्ट है वो होना चाहिए आपके पास दोस्तों, और जो क्वारंटीन का सिस्टम है वो भी फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों इसलिए आज आप लोग के साथ शेयर किया दोस्तों, कि बहुत सारे दोस्त लोग कतर आने के लिए तो सोचते हैं, पर वो लोग का मालूम नहीं होता है कि वीसा के लिए कैसे अप्लाई करें, प्रोसेस क्या है, थोड़ा घबरा जाता है। इसलिए ये वीडियो दोस्तों आज बनाया और आप लोग के साथ शेयर किया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।